आपने एसएसबी की बात छेड़ी, तो एसएसबी को सबसे टफ इंटरव्यू भी माना जाता है, तो आप कुछ एडवाइस बच्चों को देना चाहेंगे क्योंकि सिलेक्शन रेट एसएसबी के बाद बहुत कम है। आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स टू से, क्योंकि हर बच्चे के जहन में और मन में ये उत्सुकता रहती है कि एसएसबी में क्या होता है, इसको क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, और ये सवाल शायद उनको रिटन एग्जाम से भी ज्यादा बॉदर करता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, दैट बच्चों के मन में एक बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। वो ये कहती है कि एक बार मैं रिटन क्लियर कर जाऊं फिर मैं एसएसबी की कोचिंग लूंगा और मैं क्लियर करूंगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि हर दिन आपका आदर्श हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एज अ स्टूडेंट अगर आपको पढ़ाई करनी है, यू बेटर बी वेरी गुड इन स्टडीज, आप पढ़ाई में बहुत मेहनत करें और अच्छा बने। अगर एज अ यंगस्टर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप फिट रहेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे और अपने बॉडी और माइंड को एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे, तो आपको वो करना चाहिए। अगर आपको इंडिया और विदेश की सारी जानकारी, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे एंटरटेनमेंट या पॉलिटिक्स, आपको वो सब होना चाहिए। यू शुड बी एन ऑलराउंड पर्सनैलिटी हु इज कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। इफ यू डू दैट एवरी डे, इट टेक्स एफर्ट, इसमें मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है और एक निरंतरता चाहिए, एक कंटिन्यूटी चाहिए, जो शायद ज्यादातर बच्चे नहीं करना चाहते, इसलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेरी ऑनेस्ट सलाह यह है, आप अपने आप पे ऐसे काम करें जैसे एक हीरे को तराशा जाता है। एवरी सिंगल डे मैटर्स, एंड इफ यू डू इट जेन्युइनली, आई डोंट थिंक सो यू शुड बी वरीड अबाउट एसएसबी। यू फोकस ऑन योर लाइफ, यू फोकस ऑन योरसेल्फ। आई थिंक सक्सेस का यही मंत्र जो हमने देखा है सबसे ज्यादा कारगर रहता है।